देखिए आप जानते हैं कि कबड्डी जो है वो एक इंडियन गेम है और 1936 के ओलंपिक से इंडिया डेमोंस्ट्रेट कर रहा है इस गेम को ग्लोबली ओलंपिक स्पोर्ट बनाने के लिए. तो अभी तक तो ओलंपिक्स में आएंगे बट क्योंकि एशिया में इसकी अच्छी प्रेजेंस है और एशिया में भी, लेकिन इस साल पहली बार ऐसा हुआ कि हम एशिया में मेंस भी और वुमेन टीम दोनों फाइनल्स हार गए जो कभी हुआ नहीं है. और हमारा गेम है जो हमने डेमोंस्ट्रेट किया, हमने दिखाया भी है. ये तो एक लीग है, इट इज़ ऑल्सो न्यू कबड्डी फेडरेशन रिकॉर्ड पैरेलल लीग निकाल रही है प्रो कबड्डी. तो हम क्रिकेट जो है वो साल में 10-11 महीने देख सकते हैं, तो कबड्डी 2-4 महीने क्यों देखें, इसलिए एक और लीग है. ऑल्सो क्योंकि एक नई एसोसिएशन है तो ये यूनिवर्सिटीज़ में मैचेस होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैचेस होंगे, फिर सिलेक्शन होगा. तो ये प्लेयर्स के लिए और एज एन ऑडियंस भी आपको एक बेटर कॉम्पिटिटिव कबड्डी स्पोर्ट देखने के लिए, क्योंकि इस लीग में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे. हर्ष, अगर आप न्यू फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे काफ़ी लोग बात कर रहे हैं पैसेज के ऊपर कि जो दो फेडरेशन है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या. देखिए दो फेडरेशन है लेकिन अभी जो फर्स्ट वाली है उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए दूसरी फेडरेशन की अभी तो ज़रूरत है क्योंकि पहली वाली तो कैंसिल है. और फेडरेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि एक फेडरेशन अपना काम सही से नहीं कर रही है इसलिए दूसरी को आना पड़ रहा है. तो ना तो फेयर सिलेक्शन हो रहा है, ना ही रिजल्ट आ रहा है, ना ही हम मतलब एशिया में जो गेम हमने बनाए हम उस पर नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो थोड़ी शर्मनाक बात है. और उसके कंपेयर में हम देखें कबड्डी हो गया या फिर और गेम्स कराटे हो गए लूडो हो गए, उनका जो लेवल है वो बहुत ही लो लेवल पे है, तो उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. देखिए क्रिकेट इतना बड़ा हुआ है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग से, क्योंकि हमारे टीवी पे आता है इसलिए इतना बड़ा टीवी हो गया, इसलिए उसके पास ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, इसलिए उसके स्पोर्ट्स स्टार्स हैं. इसको बड़ा करने का तो एक ही माध्यम है कि जब उसके स्पॉन्सर्स तभी आएंगे जब जो फेसेस हैं स्पोर्ट्स पर्सनस हैं कबड्डी के वो हम पहचानने लगेंगे, हम उनको मान्यता देने लगेंगे. तो उसके लिए तो जो डिस्कवरी स्पोर्ट्स है वो प्रयत्न कर ही रहा है कि ऑलरेडी एक लीग आती है टीवी पे, अब एक और आएगी. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस ओवरऑल गेम जो आप कह रहे हैं कि और सारे गेम्स क्रिकेट से पीछे हैं, वो सही बात है क्योंकि ना तो हम उस ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं ना उसमें पैसा है, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन्स भी उसमें जाना नहीं चाहते, आज के यंग बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, करियर नहीं है. और क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ भी छोटी होती है, वो 40-50 साल 60 साल तो हो नहीं सकती, तो इसलिए लोग जो है उसकी तरफ रुझाव नहीं रहता है. बट ओवरऑल जब सिस्टम बेटर होगा डिस्ट्रिक्ट पे आपका स्टेट पे, जैसे अभी एशिया में हम 69 मेडल्स आए, जैसे ही इम्प्रूव होगा, जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना भी एक रिस्पेक्ट की बात है, इसमें भी करियर बन सकता है, इसमें भी मेहनत करनी चाहिए, तो ही ज़्यादा स्पोर्ट्स का. हम यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कबड्डी की बात कर रहे हैं और क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या लगता है कि जो और स्पोर्ट्स हैं जैसे नेशनल हमारा जो गेम है हॉकी, उसका जो प्रायोरिटी लेवल है, जो उसकी व्यूअरशिप है वो इतनी कम है ज़्यादातर जो क्रिकेट है, और उसमें जो प्लेयर्स का जो पैसा होता है वो ह्यूज अमाउंट चाहते थे खेलने चाहते थे इसके लिए. और आप जैसे कबड्डी की बात में आप बता रहे हैं कि 20% प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो मिलेगा प्लेयर्स को, तो ये सच में मिलेगा जैसे कि कहने वाली बात है. देखिए इस लीग को जो बना रहे हैं वो ऑलरेडी इंडिया के इंटरनेशनल प्लेयर हैं प्रसाद बाबू, तो उनका निकनेम है कबड्डी बाबू, वो इतने पैशनेट है कि उनका निकनेम है कबड्डी बाबू. तो अब खैर वो 60 साल के हैं, तो क्योंकि कबड्डी प्लेयर ही इस लीग को बना रहा है इसलिए उन्होंने प्लेयर्स का ज़्यादा सोचा है, और इसलिए पहले से अनाउंसमेंट की है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लीग विल गो टू प्लेयर्स. तो उसमें मुझे तो कोई शक नहीं लगता है कि पैसे जाएंगे, पैसे बिल्कुल जाएंगे क्योंकि प्लेयर ने ही है लीग. देखिए डी स्पोर्ट्स जो है वो एक यूसी कंपनी है और उसके प्रेजेंस तो 5 कॉन्टिनेंट में है, और क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होंगे तो अभी 10 कंट्रीज से ऑलरेडी टाई अप हो चुका है. तो इंडिया में तो हो गई बट अदर कंट्रीज जैसे कि ईरान जिन्होंने इस साल गोल्ड मेडल जीता, बांग्लादेश का कबड्डी जो है वो नेशनल गेम है वहाँ, पूरा साउथ एशिया पैसिफिक, ऑल्सो यूनाइटेड किंगडम, यूएस नेवी, जैसा कि अभी इस मिनट में बताया कि यूएस नेवी इस गेम को 7 साल से खेल रही है और वो चाहते हैं कि इसमें बैठे हो, तो यूएस बट वर्ल्ड ओवर. ठीक है, बहरहाल ये बात तो रही सारी स्पोर्ट्स की, आप जुड़े हुए हैं तो
अभी मेरी एक वेब सीरीज आई है अकोरी जी के ऊपर, तो अभी वेब सीरीज काफ़ी चल रहा है, तो वहाँ पे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, तो ज़्यादा एक्साइटिंग काम वहाँ रहा है, सो दैट इज़ व्हाई वर्किंग देयर। और वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्री है बॉलीवुड है, वहाँ पर वेब सीरीज़ का झुकाव है वो काफ़ी लो है, और जो मूवी है या शोज है उनका झुकाव ज़्यादा है। पर अब आए दिन आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज़ है काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो इस झुकाव को हम कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं? देखिए, बेसिक तो यही है कि कोई भी अच्छी चीज़ आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लोग जब उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा है, हाँ इसको ट्राई करो, तो वो थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और सब डिजिटल पे आ जाएँ या फ़ोन पे सब्सक्रिप्शन ले लें या नेटफ्लिक्स पे चीज़ें देखने लग जाएँ। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया में अच्छी चीज़ें बन रही हैं और एक फ्रीडम मिलती है कि हम जो है, वरना सेंसर के लिए हमें चीज़ें बनानी पड़ती हैं या दो घंटे में ही कहानी ख़त्म करनी पड़ती है फिल्मों की बात करें अगर। और टीवी पे जो है आप कई सारी चीज़ें कह नहीं सकते क्योंकि फैमिली मीडियम है, वो बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं, तो वो एक फ्रीडम है जो हमें मिल रही है अभी। अच्छा, आपके फैंस भी काफ़ी सारे हैं, तो अगर कोई आपने सुझाव देना चाहे अपने स्ट्रगल को देखते हुए, कुछ उनको बताना चाहे कि कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, स्ट्रगल है देखिए बॉलीवुड में तो एक ही बात है कि आप सब लोग जो है एक ही चीज़ करते हैं, अगर एक्शन चल रहा होता है तो सब एक्शन करते हैं सब। टीवी में भी अगर आप देख लें, अब तो खैर थोड़ा बदलाव आ रहा है कि सास बहू चल रहे तो सास बहू कर रहे हैं, तो आप जितना चेंज करेंगे, जैसे कंगना एक एग्जांपल है, आप अगर टाइट से थोड़ा हटके चलेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस है, वरना सभी वो कर रहे हैं आप भी वो करेंगे तो उसमें कोई खास बात नहीं। देखते हैं कि कबड्डी जो यहाँ पर आज प्रीमियर लॉन्च हुआ है वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है, और जो राजनेताओं की बातें हैं कि 20% जो प्रॉफिट होगा वो कबड्डी प्लेयर्स को मिलेगा, तो वो कितनी बातें सच्चाई में बदल पाएंगी ये देखते हैं हम आने वाले समय में। और फिलहाल इस समय इतना ही, थैंक यू।